फिरोजाबाद में विदा कराने जा रही इको कार पलटी, एक की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल। शिकोहाबाद थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे NH2 धातरी पर विदा कराने जा रही एक इको कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में एक किशोरी की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक सवारी घायल हो गए। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए फिरोजाबाद रेफर कर दिया। शंकरलाल पुत्र टीकाराम निवासी रजमऊ थाना वेदपुरा जिला इटावा की बहन की शादी 20 मई को गांव गढ़ी जलेसर से हुई थी, जिसको विदा कराने जलेसर के लिए इको कार में सवार हो गए। कार जैसे ही दोपहर के 1:30 बजे के करीब थाना सिरसागंज के अंतर्गत धातरी के निकट पहुंची ही थी कि अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें उसमें बैठे 10 लोग घायल हो गए। कार में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई, लोग जान बचाकर भागने लगे। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों ने भीड़ एकत्रित हो गई। हादसे की जानकारी होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को तुरंत जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां एक किशोरी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं गंभीर घायलों को फिरोजाबाद में रेफर कर दिया गया है। ये थी हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से विनोद कुमार गौतम, मंडल मीडिया प्रभारी की रिपोर्ट, इंडिया समाचार से। गौरव, क्या घटना हुई है? गाड़ी पंडगी चाहते समय 10 के घर के लोग थे, सारे लोग। कितने लोग थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर से आए थे जलेसर के लिए। कैसे हादसा हुआ? गाड़ी रास्ते में चल रही थी, ऐसे रास्ते में चलते सब किसी टकराए नहीं, अपने आप पलट गई, समझ नहीं है कहाँ से पलट गई। टायर पीछे वाला बिल्कुल वैसा हो गया था। कितने लोग घायल हैं, कितने की मौत हुई? 9 लोग घायल हैं। मौत कितने की हुई? मौत एक की।